सो आज के इस वीडियो में आप लोगों को चार ऐसे गैजेट्स के बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा जिन्हें आप सिर्फ 100 या 100 रुपए में अपने फोन के लिए बाय कर सकते हैं। एंड बिलीव मी गाइस, ये चार गैजेट्स के हेल्प से आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ही ज्यादा एडवांस तरीके से यूज कर सकते हैं। और सारे प्रोडक्ट्स के बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से आप इन सब गैजेट्स को परचेज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मिनट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट टेक इज कैमरा लेंस फॉर स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन कैमरा लेंस में आपको तीन लेंस मिल जाती हैं, जो है फिश आई, वाइड एंगल एंड मैक्रो। जैसे डिजिटल SLR या DSLR में अलग अलग लेंस लगाकर फोटो और वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज किया जाता है, वैसे ही आप इन तीन लेंस को कॉम्बिनेशन करके अगर आप यूज करते हैं अपने स्मार्टफोन के कैमरा में, तो आप भी अपने मोबाइल फोन फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी को अच्छी तरह से इन्हेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वाइड एंगल लेंस यूज़ करके दिखाता हूँ कि लेंस को यूज़ करने के बाद और बिना लेंस को यूज़ किए बिना कैमरा में क्या डिफरेंस आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेंस को यूज़ करने के बाद मेरे मोबाइल फ़ोन का कैमरा नियर अबाउट डबल एरिया कवर कर रहा है। आप इस लेंस को ग्रुप सेल्फी या फोटो, सीनरी या कोई ऐसी चीज़ जो आपके लेंस या कैमरा में पूरी तरह से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, तो उस समय आप ये लेंस यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको मैक्रो लेंस यूज़ करके दिखाता हूँ, जो कि इस लेंस किट का सबसे बेस्ट लेंस है। इसको यूज़ करके आप काफ़ी डिटेल मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिटेल और क्लियर फुटेज आ रही है। मैं जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो को शूट करने में, वो 2 साल पुराना मेजू M2 नोट है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप इसे न्यूली लॉन्च 30 MP वाला किसी भी बेस्ट फोन्स में यूज़ करते हैं, जो भी अभी मार्केट में चल रहे हैं, उसमें यूज़ करके आपको इस लेंस से कितना ज़्यादा डिटेल और क्लियर फुटेज मिलेगा। नियर अबाउट आप एक सस्ते DSLR जैसे मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं इस लेंस को यूज़ करके अपने स्मार्टफोन के कैमरा से। और जो लास्ट लेंस है वो है फिश आई लेंस। इस लेंस को यूज़ करके आप एक ड्रामेटिक या बॉल टाइप फोटोज ले सकते हैं, जो कि उतना खास नहीं है, बट बाकी जो दो लेंस है उन्हें यूज़ करके आप जरूर सेटिस्फाइंग फील करेंगे और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, स्पेशली मैक्रो लेंस से। और जो नेक्स्ट गैजेट मैं दिखाने जा रहा हूँ वो शायद आपके हज़ारों रुपए सेव कर दे, क्योंकि अभी जिस किसी मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसकी प्राइस मिनिमम लगभग 1000 रुपीज़ से ऊपर ही होगी, और एवरेज आजकल लोग कम से कम 6 to 7000 के मोबाइल यूज़ करते ही है। एंड एज यू नो, दिन पे दिन मोबाइल का साइज बढ़ते ही जा रहा है और लोगों को उसे इजीली ग्रिप के साथ पकड़ के यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, और थोड़ा सा ढीला होने से आपका फ़ोन गिरकर डैमेज हो जाता है या स्क्रीन को कैंसर हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे यूफोरिया का स्क्रीन क्रैक हो चुका है मेरे हाथ से गिरकर। अगर ये प्रोडक्ट मेरे पास थोड़ा जल्द डिलीवर हुआ रहता तो शायद आज सुरेश को कैंसर ना हुआ रहता। इस प्रोडक्ट के ग्लू कवर को निकाल कर इसे अपने मोबाइल के बैक साइड में मिडिल से थोड़ा नीचे चिपका दे, और अब आप इस रिंग में अपने मिडिल फिंगर को पुट करके एकदम स्टेबल ग्रिप के साथ किसी भी सिचुएशन में आराम से अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। ये एक बार स्टिक हो जाने के बाद आपके हाथ से फ़ोन गिरने का कोई रिस्क नहीं बनता है। यूज़ हो जाने के बाद आप इसे फोल्ड करके अपने पॉकेट में आराम से कैरी कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट गैजेट मैं इस लिस्ट में दिखाने वाला हूँ वो है जैकॉम की। अभी तक मैंने इससे छोटा और यूज़फुल मोबाइल एसेसरी नहीं देखा, वो भी 100 रुपीज़ में। ये 3.5 mm हेडफोन जैक जैसा पिन आपके हेडफोन पोर्ट में इन होगा। उसके बाद आप इसे एक रिमैपेबल बटन, मतलब कि आप इस एसेसरी के ऐप को इंस्टॉल करके इस एक्स्ट्रा बटन को चार तरीके या चार एक्स्ट्रा फिजिकल बटन की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर इसे एक बार प्रेस करते हैं तो क्या होना चाहिए, दो बार प्रेस करते हैं तो क्या होना चाहिए, तीन या लॉन्ग प्रेस करते हैं तो क्या होना चाहिए। बहुत ही यूज़फुल एंड इंपॉर्टेंट एसेसरी लगा मुझे, क्योंकि बहुत सी बार आपको अचानक से फ्लैशलाइट की ज़रूरत पड़ जाती है या किसी चीज़ की फ़ोटो लेनी पड़ती या वीडियो कैप्चर करना होता है सडनली या अचानक, तो उस समय आपको फ़ोन को अनलॉक करके ऐप को खोज के उसे ओपन करने में समय लग जाता है और सही समय में आपका सही काम हो नहीं पाता। बट इसे सेट करने के बाद आप एज फास्ट एज पॉसिबल एक रिमैपेबल बटन से सडनली या फास्टली अपने फोन में एक प्रोसेस कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक रैम क्लियर करना, वीडियो शूट करना, फोटोज क्लिक करना, या किसी को कॉल लगाना, या किसी ऐप को ओपन करना, या आप ये लिस्ट चेक कर सकते हैं। 100 रुपीज़ में इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर द प्राइस सभी गैजेट्स में नहीं मिलता, और ये गैजेट्स उन्हीं लिस्ट में से एक है। और अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप एज ऑलवेज बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट और लास्ट गैजेट में दिखाना चाहूँगा, जो है ये मोबाइल फ्लेक्सीबल स्टैंड, जिसे आप एक थर्ड हैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी या जिस मटेरियल से ये बना है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इंक्लूडिंग प्लास्टिक और जो एल्युमिनियम वायर यूज़ किया गया है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और ये आप देखकर ही समझ गए कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। ये गैजेट उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है जो अपने फ़ोन पर मीडिया कंज्यूम या ज़्यादा वीडियोज़ या मूवीज़ देखते हैं। लॉन्ग टाइम तक मोबाइल को एक पोजीशन में होल्ड करके रखने से आपके हाथ के कलाई में दर्द स्टार्ट हो जाता है और एक टाइम इंटरवल के बाद आपको हाथों को चेंज करके अपने फ़ोन को होल्ड करना पड़ता है, बट इस फ्लेक्सिबल मोबाइल स्टैंड से आप काफ़ी अच्छी तरह से अपने फ़ोन को किसी भी एक पोजीशन में होल्ड करके रखने के लिए एक थर्ड हैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं और अपने फ़ोन पर मूवीज़ या वीडियोज़ देख कर काफ़ी अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। सो दैट इज़ बीन इट गाइस फॉर टुडे। होप कि ये सारे गैजेट्स आपको पसंद या यूजफुल लगे होंगे, एंड इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस वन देन वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। सो दिस इज़ मी सूरज फ्रॉम SJD Freak एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।